हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। सो आज हम आए हैं जैनों के प्रमुख तीर्थ क्षेत्र में, श्री महावीर जी में। तो इस ब्लॉग को आप पूरे एंड तक देखना, इसमें हम सारी जानकारी देंगे कि आपको यहाँ पर कैसे आना है, कहाँ से आना है। जब भी अगर आप दिल्ली से चल रहे हैं तो आपको कैसे आना है, यहाँ पे रुकने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कितनी धर्मशालाएं हैं, धर्मशाला का चार्जेस क्या रहेगा, वहाँ के रूम कैसे रहेंगे, हर तरीके की जानकारी हम आपको इस ब्लॉग में जरूर देंगे। तो इसको पूरे आगे तक देखना। तो मेरा भी यहाँ पर पहली बार है, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहता है हम इस पूरे ब्लॉग में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। श्री महावीर जी पहुँचने के तीन तरीके हैं, या तो ट्रेन, या फिर बस, या फिर फ्लाइट। अगर आप बहुत दूर से आ रहे हैं और फ्लाइट से आ रहे हैं तो सबसे जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है जयपुर एयरपोर्ट, जो कि 150 किलोमीटर की दूरी पर है। अदरवाइज अगर आपका सेकंड ऑप्शन आप चाहो तो दिल्ली एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। बस की बात की जाए तो महावीर जी बस स्टैंड मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर ट्रेन की बात की जाए तो इनका खुद का श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन है, जो कि 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हम लोग बाई ट्रेन गए थे और हमारी जो अनफॉर्चुनेटली ट्रेन की टिकट थी वो नहीं कंफर्म हुई थी, तो हम लोगों ने जनरल की टिकट ली थी एंड देन फिर पेनल्टी देके हम लोग पूरा वहां तक पहुंचे थे। और अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से ये मशीन्स लगी होती हैं जहां से आप ऑनलाइन भी अपनी टिकट निकाल सकते हो, तो आपको वेटिंग लाइन में बिल्कुल भी खड़े रहने की जरूरत नहीं। और ये भी मुझे पहली बार वहीं जाके पता चला था। ये सोचते ना चिन्मय कितना इंटेलिजेंट है यार। तो सीरियसली मेरे को नहीं पता थी ये चीज कैसे हो सकती है, और मेरे को तो मैं तो तुमसे पूछ नहीं रही थी कि लाइन में जाके लग जाऊं। तुमने कहा 2 मिनट रुको। यार गौतम तुम तो हैंड फ्री आई हो, बिल्कुल कोई सामान ही नहीं दिख रहा। मैं सामान ले जाती, मैं बस अपने खाने का सामान ले जाती, मेरा खाना बहुत है और नहीं ले जाती। मैं बहुत ही लेट सामान के साथ ट्रैवल करना पसंद करती। तुम्हें रास्ता पता है कहाँ जाना है? अच्छा हो गया है। हाँ चल रहा है। ओके रास्ता खत्म हो गया सीधा सीधा। तो लेफ्ट चलना होगा। चलते चलते बहुत। और ये हमने बनाई थी वेज बर्मी सहेली। तो हम जब भी ट्रेन में ट्रेवल करते हैं थोड़ा बहुत तो कुछ अपने साथ लेके ही चलते हैं, पूरी तरीके से ट्रेन के खाने पे हम रिलाय नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम आए और हमने मस्त अपना बढ़िया सा डिनर कर लिया। और ये मिला था हमें यहाँ पे आंटीज का पूरा ग्रुप, और इनमें से भी किसी के पास भी टिकट नहीं थी, तो इन लोगों ने भी फिर वही टीटी भैया से बात करके पेनल्टी कटवा के और तब ये लोग गए थे। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हो तो रेलवे स्टेशन मंदिर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है, और मंदिर तक पहुंचने के लिए 24 घंटे निःशुल्क बस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। ये भी एक धर्मशाला थी जो कि मंदिर के सामने थी जस्ट, तो मैंने सोचा कि इसको भी आपको दिखा देते हो। ये भी काफी अच्छी थी, अगर आप चाहो तो जब भी आप आओ तो यहाँ भी रुक सकते हो। और ये है श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी का मुख्य द्वार। और ये था फर्स्ट व्यू जो कि बहुत ही ग्रीन और बहुत ही सुंदर था। ये सारे कमरे हैं जहाँ पे कि आप रुक सकते हो। और ये हम पहुंच गए थे सुबह सुबह मंदिर के दर्शन करने। किस धर्मशाला में रुके हैं वो सब मैंने लास्ट में दिखाया, बिकॉज मैंने लास्ट में शूट किया था। अगर जैन धर्म की बात की जाए तो इस धर्म में अभी तक पूरे 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से कि सबसे अंतिम तीर्थंकर जो है वो श्री महावीर जी हैं, जिनके नाम पर ये मंदिर स्थापित है। श्री महावीर जी ने लगभग 30 साल की उम्र में ये सांसारिक पूरी संपत्ति अपनी त्याग दी थी। और ये जो उनका अतिशय क्षेत्र है वो राजस्थान के करौली जिले में श्री महावीर जी कस्बे में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में महावीर जी की मूर्ति की खोज के बाद एक दिगंबर जैन व्यापारी श्री अमरचंद बिलाला ने करवाया था। मूर्ति की खोज की कहानी भी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ये मूर्ति एक खुदाई के दौरान मिली थी जो कि 1000 साल से भी ज्यादा अधिक पुरानी है। कृपया राम नाम के किसान ने देखा कि उसकी गाय हमेशा चंदनपुर गांव के एक टीले पर ही अपना दूध गिराती थी। उन्होंने टीले की खुदाई की और भगवान महावीर जी की मूर्ति पाई। गांव वालों ने मूर्ति के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी का निर्माण करा दिया जहां मूर्ति मिली थी। खुदाई स्थल से कुछ गज की दूरी पर ही यह मंदिर बनाया गया है, जहां रथ से भगवान की मूर्ति ले जाने की पूरी कोशिश की गई पर रथ हिला तक नहीं। तब मंदिर का निर्माण करवाने वाले अमरचंद बिलाला को मूर्ति को हिलाने की प्रार्थना की, और भगवान ने उत्तर दिया कि जब कृपाराम उस गाड़ी को धक्का देंगे तभी गाड़ी हिलेगी। इस स्थान को अब चरण छत्री के नाम से भी जाना जाता है, और इसका मैनेजमेंट आज भी कृपाराम की फैमिली ही करती है। यहाँ 5 दिन के एक बहुत ही भव्य मेले का आयोजन होता है, जो कि महावीर जयंती से 2 दिन पहले शुरू होता है और महावीर जयंती के 2 दिन बाद समाप्त होता है। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने 52 फीट का ऊंचा संगमरमर का मान स्तंभ है, और इस मान स्तंभ की सभी दिशाओं में 4 तीर्थंकर के चिन्ह स्थापित है। और यह परिक्रमा मार्ग है जहाँ श्रद्धालु जनरली 108 परिक्रमा लगाते हैं। यह मंदिर काफी विशाल, साफ, स्वच्छ और बहुत ही सुंदर है, और यहाँ पर स्पेशली साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। और फिर किया हमने यहाँ की भोजनशाला में बहुत ही अच्छा नाश्ता।
भोजनशाला में जो भी खाने की चीजें होती है वो ऑब्वियसली बिना प्याज और बिना लहसुन की होती है, क्योंकि ये जैन क्षेत्र है। तो सबसे पहले हमने मंगाई थी कचौड़ी, जो कि मिलती है यहाँ पे कड़ी के साथ, जो बहुत फेमस है, बहुत ही गरम गरम, बहुत अच्छी क्वालिटी की थी एट वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। फिर उसके बाद खाई हमने ये गरम गरम जलेबी और ये गरम गरम चाय। आई मीन दोनों साथ में नहीं खाई, पहले जलेबी खाई एंड फिर उसके बाद चाय पी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आसपास का सब कुछ देखकर आए, पूरा मार्केट एंड आसपास जो भी देखने का था। थोड़ी देर यहाँ पर बैठे, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत मजा आ रहा था यहाँ साथ में बैठने में। और उसके बाद फिर हमने खाई यहाँ पे ये बहुत फेमस आइसक्रीम, जो कि गेट के जस्ट बाहर बैठते हैं, पत्ते पे आइसक्रीम देते हैं कुल्फी वाली, बहुत ही अच्छी। आपको तो दुकान है ना, कुल्फी है मेरे लिए। और ये हमारा सेकंड राउंड है कुल्फी का, हमारा नहीं, मम्मी का और मासी का भी आने वाला है। फिर उसके बाद ये सौंफ सुपारी और ये छुआरा और ये बहुत सारी चीजें थी, इसकी शॉप थी यहाँ पर, एक नहीं बहुत सारी शॉप थी। तो हम लोग सब, ये हमारा इतना फेवरेट है, इतना मजा आता है हमें ये सब चीजें खाने में, सारे माउथ फ्रेशनर्स। तो बस हम सब लोग यहाँ घुस गए और हमने यहाँ पे एक एक सौंफ सब कुछ ट्राई करके देखा और इतना मजा आ रहा था। यहाँ पे और भी तरीके की वेरायटी थी बहुत सारी, जैसे ये बहुत सारे खाकरा था, सैंडविच, मंचूरियन, पानी पूरी, ऐसे बहुत सारे थे। स्पेशली मुझे ये सैंडविच वाला बहुत पसंद आया था, तो इसलिए हम लोगों ने वो भी यहाँ से ले लिया था। काफी टाइम स्पेंड हमने किया था, लेकिन काफी सामान हम यहाँ से लेके भी आए थे। उसके बाद पहुंचे अपनी दूसरी लोकेशन, कृष्णाबाई मंदिर। बेहद सुंदर था, जैसा कि आप देख सकते हो इसके द्वार की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। महावीर जी के मंदिर की जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी, इस मंदिर में वही सीन पूरा दिखाया गया है। दिखाओ 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 अपने कोला दिखाओ, वेरी नाइस। आपने तो कलरफुल सा बनवाया है, उन्होंने तो कोला बनवाया था, आपने तो बड़ा कलरफुल सा बनवाया है। अच्छा, उसके बाद हमारी एक बहुत बड़ी खासियत है कि हम जहाँ भी जाते हैं फ्रूट्स और सैलेड जरूर खाते हैं वहाँ पर जाके। तो ये देखो, यहाँ पर भी हमने अपना पूरा इंतजाम कर लिया था, पापा ले आए थे जबकि हम घर से नहीं लेके गए थे, तो बस हमने सारा चाट मसाला चाकू वाकू सब हम लेके गए थे और मस्त अपना फ्रूट्स दोपहर में खा पी के मस्त एंजॉय करे। उसके बाद अब शाम को फिर से निकलने वाले हैं। और ये है मंदिर का ध्यान केंद्र, जहाँ पे महावीर जी की बहुत ही हीरे पन्ने और बहुत ज्यादा रेयर मिनरल्स यानी कि धातु की प्रतिमाएं यहाँ पे उनका म्यूजियम है। उसके बाद बाहर निकल के हमने ये थोड़ा राम लड्डू टाइप कुछ पकौड़ी खाई थी, जो हम लोग स्टार्टिंग में नहीं सोच रहे थे कि इतना ज्यादा अच्छी होगी, पर लिटरली जब इन्होंने एक प्लेट बनाई और हमने वो खाई, ये इतनी ज्यादा टेस्टी थी कि हमने बैक टू बैक 5 प्लेट्स बनवाई थी। बहुत 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 अच्छी थी और ये मंदिर के पास ही होती है, डेफिनेटली आप लोग जरूर ट्राई करना। फिर राम लड्डू के बाद थोड़ी सी मिर्ची लगी तो हमने खाए काला खट्टा। पापा भी इतने सारा क्या लेके आयो और क्यों लेके आयो, बोलो क्या बोल रहे थे अभी? पार्टी कर रहे हो? पार्टी हो रही है सही में हम लोगों की, मस्त दिखाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर निकल गए थे हम बहुत फेमस मंदिर किला करौली, पर हम उसकी ज्यादा पिक्चर्स या वीडियोस नहीं ले पाए। उसके बाद हम रात को वापस महावीर जी ही आ गए थे और ये सारे स्कूल के बच्चे थे जिनका की टूर आया हुआ था महावीर जी। फिर उसके बाद हमने शाम की आरती अटेंड की और सारा दीपक जलाया और जो भी हमें छत्र चढ़ाना था, जैसे भी हमें पूजा करनी थी, वो हमने सब कुछ शाम के टाइम पर किया। और शाम को यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी एज कम्पेयर टू सुबह। उसके बाद हो गया था हमारे डिनर का टाइम, तो यहाँ पर शुद्ध भोजन के बहुत सारे ऑप्शंस थे। एक ये शुद्ध जैन भोजनालय था, एक था अहिंसा, तो हमने अहिंसा पर ही खाया था, जिसका खाना भी हमें काफी अच्छा लगा था एंड काफी ज्यादा अफोर्डेबल था अगर आप देखो। और मतलब बिना प्याज बिना लहसुन के भी इतना टेस्ट था खाने में कि मैं आपको क्या बताऊं। तो वापस आते हैं, मुझे कुछ बहुत ही ठंडा ठंडा खाने का मन था, तो काला खट्टा खा के मेरा गला खराब हो जाता, तो मैंने पिया ये मिल्क शेक विद आइसक्रीम, बहुत अच्छा था, बादाम मिल्क शेक था ये। और ये है गंभीर नदी, जिसके तट पर अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी स्थित हैं। सबसे पहले हमने की गंभीर नदी के दर्शन और उसके बाद हम गए पास ही में एक बहुत प्राचीन कांच का मंदिर, जहाँ मिली हमें ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज। उसके बाद अहिंसा पे किया हमने ये बहुत ही बढ़िया पोहे और लस्सी का नाश्ता, बहुत ही अच्छी टेस्टी लस्सी थी एकदम, लेकिन बस मलाई थोड़ी ज्यादा थी, बाकी सब बढ़िया। और ये थी उमराव सिंह धर्मशाला, जिसमें हमने स्टे किया था। इसका चार्ज था IS 1000 पर डे पर रूम और बहुत अच्छे रूम्स थे, सारी सुविधाएं बहुत अच्छी थी, काफी क्लीन सब कुछ, जैसा कि आप देख ही सकते हो, सामान रखने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छे से कवर्ड थी, सब कुछ आप कर सकते हो। एक बहुत बड़ा मिरर था जिसमें आप रेडी हो सकते हो, वॉशरूम भी काफी क्लीन
तीन थे, ये तो अभी हमने यूज कर लिया, बट अदरवाइज काफी क्लीन, काफी स्पेशियस थे। धर्मशाला में रूम्स की भी कोई कमी नहीं थी, काफी ज्यादा रूम थे, सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं था, सब कुछ ही बहुत बढ़िया था। आपको पता है वैसे भी ये जगह काफी सेफ ही है। और ये था इसका पूरा का पूरा रिसेप्शन एरिया, यहाँ पे लिफ्ट भी लगी हुई क्योंकि ऊपर भी फ्लोर्स थे, एंड ये पूरा रिसेप्शन एरिया है। और अब हम आ गए थे अपनी एक और लोकेशन, शांतिनाथ मंदिर, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। जैसा कि आप देख रहे हो, ये मंदिर 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ जी का है, और इस मंदिर में शांतिनाथ जी की 32 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है। मंदिर के बाकी हिस्सों में 24 तीर्थंकरों के प्रतिमाएं भी स्थापित है। महावीर जी की तरह यहाँ भी बहुत प्यारा मान स्तंभ है, और यहाँ भी भगवान के हीरे पन्ने जैसे रेयर मिनरल्स की काफी प्रतिमाएं हैं। और आप दर्शन करने के बाद हमने पिया ये ठंडा ठंडा गन्ने का जूस, जो कि बहुत अच्छा था। और फिर हम निकल गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। फाइनली हम आ गए थे जारा जैन टेम्पल, जिसके बारे में मैंने बहुत टाइम से सुन रखा था। जितने भी मेरे जैन फ्रेंड्स थे या जो भी मेरी फैमिली थी, उन सब ने मुझे बहुत बार बोला था कि तिजारा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो फाइनली हम यहाँ आ ही गए थे। और ये अलवर राजस्थान के तिजारा में ही लोकेटेड है। दिस मंदिर इज स्पेशली डेडिकेटेड टू द 8th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, श्री चंद्र प्रभु जी। जो लोग भी यहाँ नहीं आ सकते वो मेरी वीडियो के माध्यम से ही दर्शन कर सकते हैं। और मैं अब आपको पूरा दिखाती हूँ कि अंदर से कितना ज्यादा सुंदर है। मुझे तो देख के इतना प्यारा लग रहा था कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। हम लोग अपनी लाइफ में ना कई बार इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम लोग को ये मंदिर जाने का टाइम ही नहीं मिलता। पर ट्रस्ट मी, सबसे ज्यादा जो आपको सुकून और जो पॉजिटिविटी यहाँ आके मिलती है, यहाँ का जो ऑरा होता है ना, वो कहीं नहीं होता। भले हम लाइफ में कितना भी बिजी रहे, कुछ भी हो, पर हमें एक शेड्यूल तो ऐसा बनाना चाहिए जब हम शायद हफ्ते में, महीने में, या जब भी आपको टाइम मिले, हम भगवान के दर्शन करने आ सके, उनको थैंक यू बोलने आ सके। ये होना ही चाहिए। सीरियसली मुझे ये मंदिर बहुत पसंद आया। अगर आप महावीर जी नहीं भी जा पा रहे तो आप तिजारा जा सकते हो। गुड़गांव से तो ये सिर्फ 1 घंटे 1.5 घंटे की दूरी पर ही है। और ये वही हीरे पन्ने और अलग अलग मिनरल्स की बहुत सारी प्रतिमाएं थी। आई थिंक सारे ही अच्छे मंदिरों में होती है, यहाँ पर भी थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये था परिक्रमा मार्ग, जो कि बहुत बहुत अच्छा सा बना हुआ था, बहुत सुंदर बना हुआ था। और रिसेंटली आपने न्यूज में भी सुना होगा कि तिजारा के पास ये नई मूर्ति की खोज हुई है, जिसको कि यहाँ फिलहाल के लिए स्थापित कर दिया है, और यहाँ पर एक ज्योत जला दी गई है। और ये थी तिजारा की पार्किंग, जो कि बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे पार्किंग का तो कोई भी इशू नहीं होने वाला है अगर आप यहाँ पे कार से आते हो तो। और यहाँ पर भी रुकने के लिए धर्मशाला की व्यवस्था है। और उसके बाद आपको क्या लगा कि मंदिर यहीं खत्म? नहीं, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, जो कि बहुत सुंदर था। बस आप देखते चले जाओ। और ये थी यहाँ की भोजनशाला। लिटरली मुझे इसका खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लगा था। पहले हमने सोचा था हम कहीं बाहर खाएंगे, पर इससे ज्यादा टेस्टी खाना मैंने अभी तक इस ट्रिप पे कहीं नहीं खाया था। बहुत ही ज्यादा अच्छा था। सो दैट्स ऑल अप फॉर दिस व्लॉग। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।